अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, मेरी माओ और बहनों, आज इक़रा हसन के ऊपर मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। इतना ढेर सारा कमेंट आया है जिसके मुतालिक मुझे कुछ जवाब देना ज़रूरी है, और एक ऐसे मसाले से मैं आपको वाकिफ़ करूँगा जिसकी वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं, और उसको 70-80% तादाद मुसलमानों की नहीं जानती। सोचो कितना बड़ा मसला है कि 70-80% तादाद मेरे सर्वे में, बाकी अल्लाह आलम, नहीं जानती कि इस जुमले की वजह से, इस बात की वजह से बीवी मुझ पर हराम हो जाएगी। हालांकि उसने तलाक नहीं दिया है, मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ, जैसा कि लोग आमतौर पर जानते हैं, वो काम नहीं है। लेकिन कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से बीवी हराम हो जाती है और आदमी को पता नहीं होता 70-80% तादाद मुसलमानों की? तो आप सुनकर जाना, आज इक़रा हसन के ऊपर ये गुफ्तगू करनी है, ये पैगाम पहुंचाना है कि इक़रा हसन को जो मैंने टारगेट बनाकर बात पहुंचाई है, वो एक हिकमत थी कि इतना बड़ा चेहरा जब लोगों के सामने आएगा तो लोगों के गुमराह होने का भी ज़्यादातर चांस है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, और हिदायत पर आने का भी चांस है। अगर वो लोगों के लिए आइडियल और नमूना बनती हैं और दिखाती हैं कि ये इस्लाम है और ये शरीयत है और इस तरीके से सांसद बन के ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, तो एक बहुत बड़ी तादाद में जो नौजवान बच्चियां तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, उनके बचने का ये ज़रिया बन जाती है। इसलिए मैं एक बड़ा चेहरा लाने की भी कोशिश किया, ये भी एक हिकमत थी मेरे दोस्तों। और दूसरा जवाब ये है कि ज़्यादातर कमेंट ये आ रहा है कि उनके घर जाकर उनको समझाओ, ज़्यादातर ये कमेंट है। पता ही चला, मेरे मोहतरम अजीज़ और मेरी माँ और बहनों, अगर कोई सऊदीया में गुनाह कर रहा है, कोई गुमराह है, तो इंडिया से आदमी जहाज़ का टिकट कटा के उसके घर जाए समझाने के लिए? ये तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अब अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म है, अल्लाह की जो मर्ज़ी है कि जिस तरीके से पहुँचा सकते हो पहुँचा दो। अब जैसे आप तक पहुँची, हो सकता है उनके कोई ख़ास तक पहुँच जाए, हो सकता है वो ख़ास उन तक पहुँचाए। देखो, पैगाम का पहुँचा देना हमारे ज़िम्मे है, ना कि किसी के ऊपर बांधना या सौंपना या ज़बरदस्ती करना, ये हमारे ज़िम्मे नहीं है। तो ये फ़िक्र और कूड़न जो तड़प मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरा काम है, इतनी कोशिश करना, ये हम सब के रब की तरफ से है, ना कि अपनी मर्ज़ी इसमें पेश की जा रही है। कुरान की आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ए उम्मते मोहम्मदिया, तुमको लोगों की भलाई के लिए दुनिया में भेजा गया है, तुम बुराई से रोकते हो और अच्छाई का हुक्म करते हो, कमोबेश इसका ये तर्जुमा है। अब बताइए, कुरान के ऊपर अमल करना आपके नज़दीक इस तरीके का कमेंट आ रहा है जैसे मैंने कुरान के ख़िलाफ़ काम कर दिया, जैसा ये कमेंट आपका, कहीं कहीं ये जुमला भी है, बकवास बंद करो, यानी कुरान की बात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप बकवास बोल रहे हो, आपको तौबा करने की ज़रूरत है, आपको कलमा पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप ईमान से खारिज हो गए, इसका फतवा तो उलमाए कराम देंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप तौबा कर लो, इसलिए कि अगर मैं कुरान की, शरीयत की, अल्लाह के दीन की बात उन तक या और भी अवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें बकवास का जुमला कहना या इस तरीके का कमेंट करना, उसके ख़िलाफ़ उसकी मुखालफत करना, ये ईमान को ख़तरे में डाल सकता है। अब दूसरा सवाल ये है कि लोग अक्सर ये भी बोलते हैं, पहले अपने घर में देखो। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, मैं बता चुका हूँ, फिर भी बताने जा रहा हूँ कि बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह, इतना एहतियात है और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है कि हम लोगों का अपनी भाभी से भी पर्दा है और अपनी सालियों से भी पर्दा है माशाल्लाह। और इस तरीके से हम भाई भाई साथ में रह कर भी दीवार का पार्टीशन है, यानी एक दूसरे के आमने सामने हम हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं है, दूसरे रास्ते से एक दूसरे के आना जाना है निकाब लगाकर, हालांकि बगल में घर है, तो हम अपने ऊपर जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं। गांव का भी माहौल माशाल्लाह पहले से इतना बेहतर है कि पहले जो है हमारी औरतें जो है हिंदू भाइयों के घरों पर चली जाती थी, वहाँ बैठती थी, लेती थी, देती थी खेती बाड़ी, लेकिन माशाल्लाह बहुत कंट्रोल में हो गया, कोई हिंदू भाई हमारे घरों में आकर कोई खेती बाड़ी का काम नहीं करता और बाहर बाहर सारा काम हो रहा है, लेकिन पहले अंदर चले जाते थे, उस पर बड़ी मेहनत हुई, उसको रोका गया, इस तरीके से औरतों का जाना रुका, माशाल्लाह बहुत तब्दीली है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम फरिश्ते हैं, लेकिन बहुत फ़र्क है, कभी आप आकर हमारे गाँव में देख सकते हैं अगर आपको फुर्सत हो, माशाल्लाह बहुत बड़ी तब्दीली इस गाँव के अंदर आई हुई है। और ये चीज़ कहते हैं कि जो खुद कर रहे हो दूसरों तक पहुंचाओ, तो करने के बाद हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, हम कोई ज़िद में या जलन में ये पैगाम नहीं पहुंचा रहे हैं, उस रब्बुल आलमीन के खौफ और डर से पहुंचा रहे हैं कि रब्बुल आलमीन हमसे पूछेगा, हम सबसे पूछेगा, तो कल क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे। इतना करने के बाद भी डर है, आप लोग का इतना कमेंट आया, मैं पस्त नहीं हुआ, इसलिए कि मुझे ये खौफ है कि कल क़यामत जब अल्लाह पूछेगा तो उस वक्त क्या होगा, जब आदमी एक एक हज़ार साल तक पानी 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 करेगा, एक एक हज़ार साल तक खाना खाना करेगा,
अज़क्कुम का एक कतरा अगर ज़मीन पर टपका दिया जाए तो पूरी दुनिया में जितना भी सामान है सबके सामान ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। हाँ, एक इलाके का नहीं, एक ज़िले का नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, जितने भी जो है सामान है, सब ख़राब, सब बर्बाद, सब ख़राब हो जाएंगे कोई इस्तेमाल में लाने के लायक एक कतरा, और वो हमारा खाना होगा अगर हम ईमान की हालत में दुनिया से ना गए तो। तो मेरे दोस्तों, इतने खौफ की बात यहाँ पर है, आप थोड़ी सी रौनक, थोड़ी सी जो है ज़ेब व ज़ीनत देख कर इस तरीके का कमेंट करते जा रहे हैं, आप थोड़ा एहतियात करिए और सपोर्ट करने की कोशिश करिए, हेल्प करने की सपोर्ट कोशिश करिए, आपकी मदद की ज़रूरत है। बहुत बड़ी तादाद मुर्तद हो रही है, बहुत बड़ी तादाद ईमान से महरूम हो रही है। छोटे छोटे अहकाम को आप हल्के में मत लो कि भाई इससे क्या होगा, इतने से क्या होगा। हालांकि पर्दा एक बड़े हुक्म में से है, लेकिन अक्सर लोग सुन्नत को भी कह देते हैं अरे इतना चलता है, नहीं नहीं बोल सकते। हाँ, अमल आप अभी करिए, बाद में करिए, एक अलग बात है, लेकिन उसका एक मुकाम है, एक दर्जा है। एक जो छोटी सुन्नत हम समझ रहे हैं उसकी कीमत ज़मीन, सातों ज़मीन और सातों आसमान से ज़्यादा कीमती है। अब मैं क्या बताऊँ, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। इसलिए मेरे दोस्तों, समझकर ठहर कर किसी जुमले को बोलने की कोशिश करो, साथ ज़रूर दो। अब आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीवी से आदमी महरूम, बीवी हराम क्यों हो जाती है। तो बीवी हराम इसलिए हो जाती है जब आदमी कुफ्र कर देता है। अब कुफ्र का इल्म सबको है नहीं, सबसे बड़ा मसला है कुफ्र का इल्म सबको नहीं है। 70-80% आप सर्वे करके देखो कि कुफ्र किसको कहते हैं, क्या बात करने से, क्या काम करने से ईमान वाला ईमान से खारिज हो जाता है। आप पता करो, सर्वे करो, मेरी बात में अगर आपको झूठ लग रहा है सर्वे करो, तो 70% मुसलमान नहीं बता पाएंगे कि कुफ्र किस बात की वजह से आदमी काफिर हो जाता है। हो सकता है कुफ्र जानते हो, लेकिन कितनी बातों से हो जाता है, इसके लिए 70% मुसलमान मेरे सर्वे में नावाकिफ हैं, तो इन तक बात कैसे पहुंचेगी। चलो ये कुफ्र कर डाले, लेकिन उनको ये भी इल्म नहीं है। अक्सर लोगों को कलमा पढ़ के इस्लाम में आदमी दाखिल हो जाए फौरन, पहली बात तो कुफ्र के मसाइल नहीं जानते तो कलमा कैसे पढ़ेंगे। जैसे कह दिया कि जाओ नमाज नहीं पढ़ूंगा, अगर वो ये जानता है कि ये बात कहने से इस्लाम से मैं खारिज हो जाऊंगा, फिर भी कह रहा है कि जाओ इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा, तो क्या होगा, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो खारिज हो जाएगा। ऐसे बहुत जैसे रोज़ा नहीं रखूंगा, मैं जो है हज नहीं करूंगा, जबकि जानता है कि ये बात बोलने से मैं खारिज हो जाऊंगा, फिर भी उसकी परवाह नहीं कर रहा है। और किसी के गुस्से में, किसी के जिद में अगर कहा है तो वहां पर गुंजाइश है, लेकिन आप उलमाए कराम से इसकी तहकीक करो। ये बहुत बड़ा मैटर मैं आपके सामने रखा हूं। अरे इस्लाम से खारिज होना ये कोई मामूली बात है, लेकिन सर्वे करने पे जो चीज़ सामने आ रही है वो रख रहा हूँ। तो उस पर होता क्या है कि जब इस्लाम से आदमी खारिज होता है तो बीवी उस पर हराम हो जाती है, यानी उसके साथ अब उठना बैठना, खाना पीना हराम, उसके साथ सोना जाग, जो भी मतलब यानी आदमी अपनी ज़रूरियात में अपनी बीवी को लाता है तो सारी चीज़ें हराम हो जाती है मेरे भाई। अब पता चला कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मैं जा जाकर पूछा, बोलती है तो बात मुझको नहीं मालूम थी कि इस्लाम से खारिज होने के बाद, जैसे कलमा बहुत से लोग पढ़ लिए, इस्लाम में आ गए, लेकिन बीवी हराम हो गई इसका इल्म नहीं। ये बात कौन पहुँचाएगा मेरे भाई, ये बात कैसे पहुँचेगी। अब उसके निकाह का क्या तरीका है इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इस बात का इल्म है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये निकाह का इसका तरीका है, इसलिए कि इसका भी सर्वे सामने आना चाहिए कमेंट के जरिए। तो मेरे दोस्तों, एक बड़ा नॉलेज, एक बड़ी फिक्र, एक बड़ी तड़प आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। अब आपका काम है इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि एक बड़ा ग्रुप बन सके और जल्दी जल्दी मोटे मोटे मसाइल लोगों तक पहुँच सके, जो एक बड़ी तादाद अंधेरे में है वो उजाले की तरफ आ सके। मेरे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम।